हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं ममता। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक होम रेमेडी उन लोगों के लिए जिनके फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। आप ये मानते होंगे, मैं भी ये मानती हूँ कि गर्मियों में हमें ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है सर्दियों के मुकाबले, क्योंकि डर्ट, पल्यूशन, सन, ये सब हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर उसमें केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो भी हमारे स्किन को कहीं ना कहीं हार्म करती है। बट हमें दिखाई कब देता है, जब उसको यूज़ करते हैं हमें 4 साल 5 साल 6 साल हो जाते हैं, जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना दिखाई दें आपको, और आपकी स्किन भी दमकती रहे, फेस पर कोई भी झाइयाँ ना आए, फेस पर कोई भी पैचिनेस ना आए, स्किन जो होती है अनइवन ना दिखे, तो आपको होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। आज जो होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, मैं वो होम रेमेडी पर्सनली बता रही हूँ। पर्सनली मैं हफ्ते में 2 बार जरूर करती हूँ फॉर माय गुड स्किन। चमकती रहे मेरी स्किन इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा ग्लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं, और एक चीज़ और कि ये वाली जो रेमेडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी जो है ना वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी है। मुझे चाहे किसी शादी में जाना है, चाहे मुझे किसी फंक्शन में जाना है, मैं इसको ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। आपकी स्किन जो होती है, जो लूज़ हो जाती है, ये उसको भी टाइट करेगा। फेस पे जो भी झाइयाँ आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, ये उसको भी ठीक करेगा। उसके साथ साथ आपकी स्किन पे चमक लेके आएगा, आपकी स्किन को बनाएगा फ्लॉलेस, और जो दाग धब्बे फेस पे हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे लाइट होने लग जाएंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे तो। सो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेना है हमको एक आलू, जिसको धो लेना है, छील लेना है, उसको अच्छे से ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेना है। जो आलू होता है उसके अंदर नेचुरल जो स्किन वाइटनर होता है, जो आपकी स्किन का जो कालापन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से आपकी स्किन में जो है चमक आती है। तो आप ये लूज़ खाली भी लगा सकते हैं, कभी किसी में नहीं भी ऐड करना, तो एक खाली भी लगा सकते हैं आप इसको, खाली आलू के जूस को। उसके बाद हमको लेना है एक टमाटर, टमाटर को अच्छे से कस लेना है और इसका भी हमें जूस ले लेना है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से पल्प के साथ ही इसको ले सकते हैं, बट मोटे मोटे जो दाने होते हैं या मोटे मोटे जो छिलके जाते हैं उनको जस्ट अलग कर लें, और उसके बाद पूरे पल्प को आप इस आलू में ऐड कर लीजिए। टमाटर के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं और नेचुरली विटामिन सी होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो है नेचुरल ब्लीच भी अवेलेबल होता है। फिर मैंने आधे खीरे को कसा है और उसके अंदर उसका जूस ऐड कर लिया है। खीरा आपकी स्किन को ठंडक पहुँचाता है और आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी, जो कि हर सबके घरों में अवेलेबल है। आपका इस तरीके का पेस्ट बनेगा, अगर ज़्यादा थिक बने तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर सकते हैं। इस पेस्ट को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, हफ्ते में 2 बार आप इस पेस्ट को लगा सकते हैं। इसी तरीके की थिक कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब आप इसको पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर सकते हैं, और अपने पूरे फेस पे, अपने हाथों पे, अपने स्किन पे, जहाँ पर भी आपको लगता है कालापन हो गया है, टैनिंग हो गया है, झाइयाँ लगने लग गई हैं, उस जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो इसको आप अपने अंडर आर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनको हाथों पे, पैरों पे, अपने नेक पे, आपके कमर के हिस्से पे, या ब्लाउज़ में जो हिस्सा विजिबल रहता है, डीप नेक जो लोग पहनते हैं, वो इसको आप बैक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं शो करूँगी मेरा एक हाथ कितना ज़्यादा टैनिंग वाला लग रहा है, जिसमें ऊपर की उंगलियों में और बहुत ज़्यादा गैप है, और उसमें मैंने रिंग पहनी हुई थी, तो रिंग हटाई तो टैनिंग इतनी ज़्यादा हो रखी थी, तो वहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है पूरे अपने हाथों में। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा और बच गया था जिसको मैंने अपने पैरों पे भी लगा लिया था। 15 मिनट या 10 मिनट जब तक आपका ये ड्राई होता है तब तक आपको इसको रखना है। उसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हो, जस्ट धो के आई हूँ, अभी पोंछा भी नहीं है। आप देखो कितनी चमक आ गई है फेस पे, फेस अलग ही चमक रहा है, सॉफ्ट इतना हो गया था, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा हार्ड टच करने में अपने स्किन को। और हाथ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अब हाथ एकदम बढ़िया से हो गए हैं, एकदम गोरे चिट्टे। तो आप लोगों ने देखा कैसे विद इन अ 5 मिनट मेरा जो फेस है चमक गया। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट गारंटेड होता है कि भैया अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो
अगर आपको कभी कहीं जाना हो, किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी की एनिवर्सरी पे जाना है या खुद को पैम्परिंग देनी हो जिस दिन, उस दिन आप इस फेस पैक को ज़रूर लगाइए और अपने फेस को घर बैठे बैठे चमकाइए। वाह, व्हाट अ टैगलाइन। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।